तो सर हेलो हाय वेलकम टू अकेडमी, वेलकम बैक। वापस आ गए हम एक ब्रेक के बाद छोटे से, ठीक है। तो बात हमारी विपिन सर की चल रही थी, उनकी इमोशनल कहानी की। एक्चुअली इमोशनल कहानी जब हम सुनते हैं ना सर, तो हमारा जो बच्चा है ना वो कहीं ना कहीं रिलेट करता है। कुछ बच्चों को लगता है कि उन्हीं की प्रॉब्लम सबसे बड़ी है, ऐसा लगता है कभी कभी। मतलब कुछ बच्चे सोचते हैं कि वही सबसे बड़ी मुसीबत भर रहे हैं, वही सबसे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, दूसरा आदमी मेहनत नहीं कर रहा। लेकिन जब उन्हें किसी ऐसे शख्स की कहानी पता चलती है कि उसने अपनी लाइफ में कितनी मुसीबत भरी है, तो कहीं ना कहीं उसे लगता है कि हाँ वो बेहतर है। तो सर मैं जहां से आपकी कहानी हमने रोकी थी वहीं से स्टार्ट करते हैं। आपकी फैमिली ने आपको सपोर्ट करना शुरू करा, आप एक बार फेल होने के बाद आपने पढ़ाई छोड़ दी, उसके बाद जी सर, मैंने बीएससी जब कंप्लीट की तो बीएससी कंप्लीट होने के बाद सिर्फ एक वजह से पढ़ाई छोड़ दी कि जॉब के कोई चांसेस नहीं है। जबकि ऐसा नहीं था कि बीएससी और मेरे मार्क्स वगैरह अच्छे नहीं थे, पर फिर भी अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा था कि लोग यही सोचते थे। फ्रेंड्स जिनसे पूछा उन्होंने ये कहा कि कोई चांसेस नहीं है, नथिंग इज़ यूजफुल, और लगता था कि जैसे जॉब इम्पॉसिबल है, इस तरीके से कभी कभी लगने लगा। इसके साथ फिर मैंने पढ़ाई छोड़ने के बाद में मैंने फैमिली को सपोर्ट करना शुरू किया इकोनॉमिकली, और मैंने जॉब करना शुरू किया स्कूल्स में, टीचिंग में। अब स्कूल्स टीचिंग में ऐसा था कि वो जॉब, इंसान जो है अपना खुद का एक व्यक्ति का खर्चा चलाना मुश्किल उसके लिए, पर बिल्कुल फिर भी क्या बिल्कुल करें, जो मिले जो ही सही। तो इस तरीके से करते करते सर, उसके बाद में हमारे फैमिली में उन्होंने कहा कि बीएड कर लेनी चाहिए, और बीएड के लिए जो है, अब हमने, हमारे पास पैसे नहीं थे इतने, बीएड के लिए पैसे नहीं होने की वजह से हमने रिलेटिव से पूछा। तो उसमें जहाँ तक है मेरी मौसी जी और मामा जी का ज़्यादा सपोर्ट रहा, उन्होंने कहा कि भाई कोई बात नहीं, थोड़े पैसे हम देते हैं, और थोड़ा बहुत हमने ऐसे करके हमने मैंने बड़ी मुश्किल से बीएड की। और जैसा कि मैंने आपको बताया, प्री बीएड का जो एग्ज़ाम था उसमें मेरी 17th रैंक आई ऑल राजस्थान में। उसके बाद में मैंने सोचा कि भाई कौन से कॉलेज जो अपन चूज करेंगे वही कॉलेज अपने को मिल जाएंगे। तो मैंने 3 कॉलेज चूज किए, और एक पोदार कॉलेज है मानसरोवर में, वहाँ से मतलब मैंने जो अपने बीएड कंप्लीट किया। वहाँ पर मेरे फ्रेंड की सिस्टर थी, वो टीचर थी, उन्होंने बहुत प्यार से हमें सिखाया पढ़ाया, तो उनकी भी बहुत ज़्यादा हेल्प रही हमें आगे बढ़ाने में। मेरे फ्रेंड्स की भी काफ़ी हेल्प रही कि उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया। वो कहते हैं किसी न किसी को कोई ना कोई ऐसा मिल जाता है जो आगे बढ़ाने में उसकी हेल्प करता है। बिल्कुल बिल्कुल बीएड करने के बाद अब प्रॉब्लम ये आई कि हमने बीएड में जो पैसे लिए थे उन्हें चुकाना जरूरी था। तो एक फिनग्रोथ कोऑपरेटिव बैंक है जयपुर में, जिसमें मेरा सिलेक्शन हो गया था। उसमें सिलेक्शन होने के बाद मैं जॉब करता रहा। अब एक रिस्क उठाना और बाकी था। हमारी जॉब वगैरह अच्छी चल रही थी, लेकिन कहते हैं ना कि आगे बढ़ने के लिए कुछ कभी कोई रिस्क भी लेना पड़ता है। तो फिर मैंने अगेन एक रिस्क लिया। मेरी मदर बहुत नाराज हुई उससे कि तूने बैंक की जॉब छोड़ दी और आगे जा करके क्या करेगा, आगे कुछ भी नहीं मिला। तो कहते हैं इधर कुआ उधर खाई, या मान लो कि कहावत अलग अलग चलती है कि हम आगे बढ़ने के लिए निकले थे और रास्ता पीछे आने का भी नहीं मिले, अंधेरे में भटक जाना, कई सी चीजें होती। पर अच्छा रहा, अब एग्जाम मेरे, जब बीएड के एग्जाम होने वाले थे उसके साथ ही आरपीएससी का, मेरे 2009 में मैंने बीएड का एग्जाम दिया, साथ में आरपीएससी में 2008 में ही फॉर्म भर गए थे। फॉर्म भरने के साथ ही जो है ऐसा हुआ कि उसका एग्जाम कब हो जाए इसका कुछ आता पता नहीं था। पर कहते हैं जैसा कि हमेशा बेरोजगारों के साथ होता है, एग्जाम कब होता है इसे कोई नहीं जानता। लेकिन हमेशा सर अगर चांसेस जैसे होते हैं कभी किसी आने लेकिन से। सर एक छोटी सी बात है, एग्जाम कब हो इस बात से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप तैयार हो तो कभी भी एग्जाम ले लो, मतलब एग्जाम बिल्कुल होना सर, चाहिए। मैं, हाँ मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो दूसरों के लिए डिसअपॉइंटमेंट का रीजन बना, वो मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी बन गई। कि बहुत बढ़िया सर, एक्चुअली में ऐसा हुआ कि एग्जाम का कोई पता नहीं था। जितने लोगों ने, जो लोग तैयारी कर रहे थे, जो कोचिंग कर रहे थे, वो एक बार दो बार और 3 बार कोचिंग कर चुके थे। कोचिंग कर करके वो हार चुके थे, और मैं वो बच्चा था जिसने कोचिंग नहीं की। तो मैं बड़ा हैप्पी था, मुझे ऐसा बिल्कुल लगता था कि मेरे को चांसेस मिलेंगे, क्योंकि मेरे लिए एक मिलेंगे, ही मौका था, बहुत एक ही बढ़िया। एग्जाम के लिए मतलब मैं लगा रहा। और वो एग्जाम हुआ 2010 में, यानी लगभग हम कह सकते हैं 2.5-3 साल एग्जाम करवाने में आरपीएससी ने लगा दिए। तो जो दूसरे लोग, क्या है कि कहीं कोई अपने डायरेक्शन से भटक गया, कोई कहाँ चला गया, कोई कहाँ चला गया, किसी ने तैयारी करनी छोड़ दी, कोई प्राइवेट सेक्टर में लग गया, लेकिन मैं वो था जो अपने काम को लगन से करता रहा और चलता रहा, आगे बढ़ता रहा। मुझे एक बहुत अच्छा मौका मिल गया था कि आरपीएससी एग्जाम जितना लेट लेगी मेरी तैयारी उतनी ही स्ट्रांग होगी। मैंने बहुत इसमें बढ़िया छोड़ा नहीं कि
कि आरपीएससी एग्जाम लेट ले रही है तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। मेरे लिए कोई नुकसान नहीं हुआ उसमें। तो सर अच्छा हुआ कि जब एग्जाम क्लियर हुआ दिसंबर 2010 के अंदर, एग्जाम वगैरह क्लियर हो गया तो हमें बहुत खुशी हुई इस चीज की। और हमें उम्मीद नहीं थी, मतलब मेरे पेरेंट्स ने, मतलब मेरी मदर ने, मेरे फादर ने मुझे ये कहा कि दिस इज ए मिरेकल, कि वी कुड नॉट बिलीव दैट इवन आर चाइल्ड कैन टेक दिस काइंड ऑफ एग्जाम एंड ही कैन बी अ गवर्नमेंट सर्वेंट। सो उनके लिए तो एक ऐसा था कि इम्पॉसिबल सी थिंग थी। ये बहुत बड़ी बात है, मतलब कि अपनी फैमिली का प्राउड बनना, अपनी फैमिली की नजर में परफेक्ट बनना, एग्जाम निकालना, कांग्रेचुलेशन सर, 2011 ज्यादा दूर नहीं है, टाइम अभी ज्यादा नहीं बीता कि ऐसा कोई पिछले जमाने की बात है। और उसके बाद किस तरीके से आपकी कहानी बदली, हालांकि हमारे पास 8 ही मिनट है आपसे बात करने के लिए, तो मतलब मैं कितना खुश हूँ इस बात को सुन के कि आपकी लाइफ का जितना स्ट्रगल था भगवान ने कहीं ना कहीं आपको उसका रिजल्ट दिया, कहीं ना कहीं आपके सपनों को पूरा, सपनों को पूरा किया, कहीं ना कहीं उनका बहुत हाथ रहा आपके ऊपर। और उसमें ये नहीं कह सकते कि सब कुछ किस्मत ने किया, आपने मेहनत करी, आपने कभी नहीं हारा, आप हमेशा लगे रहे, लोग छोड़ के भागते रहे लेकिन आप अपनी पढ़ाई में लगे रहे, उसका रिजल्ट आपकी मेहनत का असर आपको मिला है सर। ये बहुत, मतलब मैं आप समझ नहीं सकते कि मैं आपसे बात करने के बाद इतना, मतलब मैं खुद मोटिवेट हो रहा हूँ कि हाँ इंसान को कभी नहीं हारना चाहिए। मैं हमेशा बच्चों को बताता हूँ, लेकिन आपसे बात करने के बाद अच्छा लगा कि हाँ हमारे पास एक रियल लाइफ एग्जांपल भी है। रियल लाइफ एग्जांपल का मतलब ये है कि आपने उस जितने भी एग्जाम दिए, जिस तरीके से फोकस रखा, कभी नहीं हारे, और अपनी लाइफ में बहुत आगे चलने का जो सपना था उसे पूरा करते रहे सर, कांग्रेचुलेशन सर, बस सब चीजों के लिए। चलिए सर इसके अगले पार्ट में चलते हैं। अगले पार्ट में बस मैं आपसे 2 सवाल पूछूंगा। एक सवाल, आज के टाइम में और उस टाइम में, जैसे आज ऑनलाइन अकेडमी, अनअकेडमी है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ये सब चीज, उस वक्त के और आज के हिसाब से आपको किस तरीके से देखते हैं? अनअकेडमी क्या कर रहा है, कितना बेनिफिशियल है, क्या मतलब बच्चों को कितना सब कुछ प्रोवाइड करा रहा है? क्योंकि आप एक सिलेक्टेड टीचर हैं, और एक सिलेक्टेड टीचर जो ना वो अच्छी चीजों को बहुत देर से देख लेते हैं कि उसमें क्या अच्छा दिख रहा है, तो आपके हिसाब से अनअकेडमी क्यों बेहतर है, कहाँ बेहतर है? बिल्कुल सर, मुझे ऐसा लगता है, मैं सिर्फ एक लाइन में कहना चाहूंगा जो फीलिंग्स मेरे अंदर रह गई, कि जो पहले की सिचुएशन थी, अगर आप बताइए कि ऐसी सिचुएशन में अगर मेरे पास ऐसा कोई ऑनलाइन कोचिंग का प्लेटफॉर्म होता तो मैं अपनी जॉब कर सकता था, उसके साथ में कोचिंग कर सकता था। मैं आज ज़्यादा बड़ी बात नहीं कहना चाहूँगा, बट ये बहुत मेरे लिए इजी बात थी कि मैं आज एक आरएएस ऑफिसर से कम नहीं होता। अगर मेरे पास उस समय इस तरह की जॉब, इस तरह का जो कोचिंग अपॉर्चुनिटी, इस तरह का मौका मिलता, क्योंकि एक बहुत ही रीजनेबल प्राइस में और एक ऐसे, मतलब अपन बेस्ट एजुकेटर से, बेस्ट टीचर से अपन पढ़ सकते हैं, तो ये बच्चों के लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इवन कि आप बस इसमें किसी क्या चाहिए, आपको इसमें स्वयं की जो है लगन चाहिए, आप स्वयं की लगन से सब कुछ कर सकते हैं। आपको बस आज का ये है कि सेल्फ मोटिवेशन होनी चाहिए आपके अंदर कि आप कोचिंग या जो है ट्यूशन जो है ऑनलाइन आप ले सकते हैं। तो अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ऐसी शुरुआत है जिसकी सहायता से हम एजुकेशन का जो सिस्टम है उसमें एक रिवोल्यूशन ला सकते हैं। बस आपको चाहिए कि आप उसका एक हिस्सा बनना चाहते हैं, नहीं बनना चाहते हैं, वो आपकी लगन है। आप एक ही प्राइस में आरपीएससी का कोई सा भी एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बहुत बढ़िया सर, मतलब कहीं ना कहीं आपने अनअकैडमी को अच्छे से रिसर्च करके ढूंढ लिया है, आपने इसकी सारी चीजों को समझ लिया है। बिल्कुल सर, लास्ट में एक छोटा सा, हाँ बिल्कुल, एक छोटा सा सवाल है लास्ट में, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं अपने यूथ को, किस तरीके से अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं? एक छोटा सा मैसेज हमारी तरफ से, अनअकैडमी की तरफ से, आपकी तरफ से क्या मैसेज होना चाहिए बच्चों के लिए? बच्चों के लिए यही मैसेज होना चाहिए कि आप अपने जीवन में कभी निराश मत हो, और आप जो है अपने जो एग्जाम्स वगैरह जो हैं, ये तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, निराशा तो वो है जो जीवन में हमें डुबो देती है, और आपको जो है इससे आगे बढ़ना है तो आपको जीवन में कभी निराश नहीं होना है, धीरे धीरे आप कोशिश करती रहिए। ये मत सोचिए कि जो सक्सेसफुल है वो बचपन से ही, जिसे कहते हैं ना बोर्न विद अ सिल्वर स्पून, तो ऐसा कोई नहीं होता। जो आज जिस प्लेटफॉर्म पे हैं वो इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने मेहनत की थी, वो आपने नहीं देखी, जिस समय वो मेहनत कर रहे थे उस समय आप उनको नहीं जानते थे, जब वो मेहनत करके सक्सेस हो चुके हैं तब आप उनको जानते हैं, इसलिए आप सोचते हैं कि वो हमेशा से ऐसे थे, पर कोई ऐसा नहीं था। सब इंसान जो है नॉर्मल है और सब एक ही तरह के हैं, बस ये है कि किसी ने ज्यादा मेहनत करी थी, किसी ने कम मेहनत की थी,
तो आप ये मत सोचिए कि मतलब जो है हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आपको जीवन में कभी निराश नहीं होना है, आप धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिए। और मैं कहना चाहूंगा कि अभी जैसे ये जो प्लेटफॉर्म की अपन बात कर रहे हैं ऑनलाइन एजुकेशन और अनअकैडमी की, तो इसके दो तीन एग्जाम्पल्स मेरे पास में हैं, इस कारण से मैं बता सकता हूँ कि ये कितना बेस्ट थिंग हो सकती है। बिल्कुल, मेरी जो सिस्टर इन लॉ है उनका भी अनअकैडमी प्लेटफॉर्म से ही वो रही हैं एक स्टूडेंट, और उनका अभी FCI में जो है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में सिलेक्शन हुआ है, और बिकॉज ओनली ऑफ अनअकैडमी। एंड मेरी जो वाइफ हैं वह भी जो है अभी अनअकैडमी से ही रीट की जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो एक जॉब करने वाले के लिए, एक प्राइवेट सेक्टर में वर्क करने वाले के लिए, एक ऐसे आदमी के लिए जो अपनी फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट भी करता है, या जो लेडीज हैं जो मतलब अपने घर का काम भी करती है, उनके लिए ऐसा एक अपॉर्चुनिटी बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। जो गांव में रहते हैं बच्चे जो जा नहीं पाते हैं दूर तक, उनके लिए बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। और सभी जो एस्पिरेंट्स हैं हम तो उनके लिए यही दुआ करते हैं, और हमारी तो यही कामना है कि वह अपने जीवन में सक्सेस हो उनको मिले और आगे से आगे वो बढ़ते रहें। उनको कभी, मुझे नहीं लगता कि मतलब हमें जैसी परिस्थितियां फेस करनी पड़ी उनको ऐसी परिस्थिति नहीं फेस करनी पड़े। उनके पेरेंट्स समझें, उनके लिए रिस्क उठाने के लिए उनको मोटिवेट करें, और जो उनके आसपास के फैमिली के और रिलेटिव्स या फ्रेंड्स हैं वे भी उनको ये नहीं कहें कि तू कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि हर बच्चा बहुत कुछ कर सकता है। अगर आप उसको एक छोटी सी गाइडेंस देंगे तो आप उसके लिए बहुत ज्यादा मतलब वो एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी, एक छोटी सी गाइडेंस उसके लिए बहुत कुछ कर सकती है। चलिए सर, ये थे हमारे विपिन सर, सिलेक्टेड कैंडिडेट टॉपर में आते हैं। विपिन सर आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, जल्दी आपसे दोबारा बातचीत करेंगे मौका लगेगा तो। फिलहाल के लिए सेशन को एंड करते हैं, आप भी अपना ख्याल रखें, सब लोग अपना ख्याल रखें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें और पढ़ते रहें जब तक कि आप जीत ना जाएं। ठीक है सर, चलिए सर, थैंक यू।